राम राम जी, स्वागत आप सभी का द चर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कुलदीप के और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं हरियाणा के एक बेहतरीन रेडर है जो कि असंध शहर पड़ता है, उसके साथ ही एक छोटा सा गांव है और वहां के एक बेहतरीन रेडर जिनको बोला जाता है बड्डा मटरू जी। तो जैसे ही आपके सामने नाम लिया, आप नाम लेते ही समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो हमारे साथ है जो कि असंध कस्बा है, वहाँ से एक बेहतरीन रेडर मटरू जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मटरू जी, आप एक बहुत बढ़िया प्लेयर हो और हरियाणा में भी आपका काफ़ी अच्छा नाम है, पंजाब में भी आप बात करो तो बहुत अच्छा नाम बोला जाता है आपका। आपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताओ, एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो हमारे से भी दर्शकों को। राम राम भाई, सब ना भाई। परिवार में कौन कौन है, अपना नाम, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम दिलीप सिंह है भाई, माता का नाम नन्नी देवी है जी। दो भाई हैं भाई, एक बेबे है, सिस्टर है। अच्छा जी। छोटा भाई वैसे जा रहा है भाई जी। शादी हो रही है, एक लड़का लड़की है। अच्छा, शादी हो रखी है पहलवान जी आपके? एक लड़का एक लड़की है। पहलवान जी, एक बार अपना पूरा नाम बता दो, यही आपका असली नाम है? नहीं, सही नाम मेरा जसवीर है भाई। जसवीर है? जसवीर। पहलवान जी, पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? भाई तो प्लस टू करी है, गई कॉलेज में, फिर गेम गाम का चक्कर में, कबड्डी का चक्कर में छोड़ दिया था सेकंड में थे जी। 12 कर रहे हो ऐसे। पहलवान जी, इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में था, पढ़ाई करी जब आपने जिस टाइम? बस खेलने में था भाई शुरू से, मतलब ज्यादातर खेल में इंटरेस्ट। बस नहीं था अभी 10 हो जब 12 हो जो फौज पुलिस में कड़ी हो जब, बस खेलने में ज्यादा ध्यान था शुरू से। मतलब खिलाड़िया का यही रहा है अभी थोड़ा खेल के कितने नौकरी मिल जाओ, बढ़िया मिल जाओ सारा हो जाए जी। पहलवान जी, खेल में कबड्डी में कैसे आई एकदम? अपना भाई अभी मौसी का लड़का है जो बड़ा भाई जी। भाई वो छोटा लग गया था खिलाड़ में, तो 66 क्लास में थे, लंगोट पहन दिया था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर शुरू में कुश्ती लड़ी मैंने 2-3 साल भाई, समझाया करते खाड़ा में उसके लिए जी। फिर हाँ, फिर भाई मैंने ऐसे लंगबड्डी खेल ली 5-4 साल। फिर वो भाई बैर भी गया भाई, मैं 10वीं में था जी, भाई बैर गया, फिर भाई से डाला पड़ा मैंने छोड़ी नहीं, फिर मैं फिर इसमें लंबी में बढ़ गया प्लस टू के बाद। प्लस टू के बाद आप लंबी कबड्डी में आ गए। हां पहलवान जी, गुरु किसको मानते हो जिन्हें कबड्डी आपको सिखाई, कबड्डी में इतना नाम करवाया? गुरु तो भाई मेरा भाई है बड़ा। अच्छा, बड़ा भाई आपका? हाँ, बहुत हेल्प करी उन्होंने आपके साथ। हाँ, साउथ अफ्रीका जा रहा भाई, NRI हो रहा है, जसमेर नाम उसका। उन्हें क्या भाई, उन्हें सब कुछ खर्चा भी उन्हें दिया मेरे तो भाई। अच्छा अच्छा। मतलब परिवार की तरफ तक कितना सहयोग रहा? सारा सहयोग है, माँ बाप का, बका किताबों का, सबका सहयोग था, फिर उसका ज्यादा था भाई। अच्छा अच्छा। उसने सब कुछ है। एक सुरेश था जो हमारा कोच है जी जी, बजरंग जिम, उसने भी मेरे तो जिम सिखाई, उन्हें बहुत साथ दिया मेरा जी। पहलवान जी, जब भी कोई भी आदमी या कोई भी खिलाड़ी या किसी की बात ले लो, कोई भी कुछ नया काम शुरू करते हैं, कोई बहुत सारी अड़चने बीच में आती है, कुछ अड़चने आई आपके जब आप खेल में शुरुआत कर दी थी? बनी तो घर के नेटे कर दे भाई, माँ बाप, माँ थी मेरे नेटे कर दी, मेरा पापा, फिर मैं अपना शौक था भाई, वो भी खेले करता कर दिनों का पहला हम, तो उसने ज्यादा साथ दिया मेरे पापा ने। पहलवान जी देखो, माँ तो माँ की ममता है, कुछ नहीं डरे कर दी भाई, चोट लाए जे, फिर चोट लग गई उन्होंने कहा भाई तेरा चोट लग गई, देखे मैं नाटू थी, चल डरे करें भाई तो थोड़ा घना। हाँ, तो माँ की ममता का लाड़ तो कोई कर ही नहीं सकता। मेरे बाप ने बहुत खिलाया भाई मैं। अच्छा, पिताजी पिताजी ने बहुत साथ दिया, बहुत शौक था, आज भी शौक है, बेटे खेल ले तो साथ और खेला जाता था। अच्छा अच्छा। हाँ, इन भी कोशिश कर रहे अभी खेल ले तो जी। पहलवान जी, पहला मैच जो कि पंचायत का मैच लगा लो या फिर आप सरकारी तरफ का मैच लगा लो, पहला मैच कब खेले थे? भाई मैं सही पहला तो मैच खेला था 2011 में, बड़सेरा स्टेट चैंपियनशिप थी, ओड़ा खेला था सबसे पहला मैं बड़े प्लेयर के। अच्छा। उससे पहला तो मैं यारा ये छोटे मोटे मैच खेले कर दे ब्लॉक ब्लॉक के बस। अच्छा। ओड़ा पहला मैच खेला था मैंने जिंदगी के लिए। पहलवान जी, कौन सी सन में आपने शुरुआत करी? भाई सन तो मैंने 2006-07 में लग गया था खेलने में छोटे मोटे मैच, तो उसको गाँव गुम स्कूल ब्लॉक ब्लॉक के। फिर मैं 2009 में बैर भी गया भाई गोताखोर में डाइविंग में जी, ओड़ा को नहीं कामयाब हुआ भाई मैं। अच्छा, आ गया। अच्छा। फिर भाई बोलिया बड़ा मेरे तो
मतलब भाई के करा मैं खेलना चाहूँ भाई, फिर मैं ला गया खेलने, फिर मैंने सी बैंध करके 11 में सी ला गया खेलने भाई, 11 में ला गया था। तो पहलवान जी हाइट और वेट कितना था उस समय और आज के समय में आप खेलना थोड़ा लेफ्ट करके हो, लास्ट टाइम जब खेले तब कितना था भाई? 95 किलो वेट था 96 लास्ट टाइम। हाँ, और जिस टाइम में आपने पहला मैच खेले उस समय कितना था? 82 किलो वेट था भाई। अच्छा, और हाइट की बात करें तो पहलवान जी हाइट 5'9" की भाई, हाइट तो मेरी 5'9" की है। पहलवान जी उम्र की बात करें तो उम्र कितनी अपनी भाई? मैं 33 साल का हो गया। अच्छा, 33 साल का हो गया। हाँ, और पहलवान जी अब लास्ट मैच कब खेला था आपने? लास्ट तो भी मैंने इसमें खेला था 19 में, आड़ा कुछ 73 लोग मैच थे, झिंझाड़ी उड़ा चोट लग गई थी, मेरा मांस पैट गया था भाई उसके। अच्छा, बाद फिर मेरा जी से उतर गया था, छोड़ दिया मैंने। अच्छा, ईब देखो कोशिश कर रहे दोबारा तैयारी करा। पहलवान जी जब आपने खेल की शुरुआत करी, गांव की टीम तो शुरुआत करी थी या फिर कहीं बाहर जाकर खेलना शुरू किया था? भाई गांव में तो छोटे बालक थे, संजोर भी बालक के थे मेले, बस 8-10 बालक आए कर दोनों में खेल जाया करता, मैं एक आधा मैच खेल आया करता बाहर छोटे टीम जो मुंड मांड में बिक जे कर देगा दी भर में। अच्छा, एक कोत कला थी मेरे मामा उड़े के भाई, अच्छा, धर्मेंद्र था वो मामा लागा मारा और उन गुरु जी भी है, उसमें भी खेल लिया मैं। तो फिर मैं थोड़ा ठीक हो गया, सीख भी गया खेलना, तो मैंने कला ने मेहनत करी हुई गाँव में और फिर मैंने संजोर मिल गया भाई, संजोर बढ़िया लग गया, मैंने वेट वाट में लगे खेलन यू गाँव में, मारा रुझान हो गया भाई, बाड़ा कान लागे 15-20 उनमें, फिर संजू ठीक लग गया मैंने। अच्छा, इस तरह मेरे थोड़ा सहारा दिया भाई, साथ दिया इसका, यू फिर बन गया जी। पहलवान जी फिर गांव की टीम में तैयार हो गई थी? हाँ भाई, मैंने तो 15 में तैयार कर दी थी गांव की टीम, 2015 की बात है। तो टीम में उस टाइम गांव की टीम में कौन कौन थे? बस मैं ही था भाई, फिर मैंने संजू और छोटा मोटरू आया फिर उठ के। अच्छा अच्छा, हर गोरा था लुपरिया भाई, वो भी आड़ी सा, उन्हें भी आड़ी होया। तो पहलवान जी बाहर आप मैच खेलने गए, बाहर की सबसे पहला कौन सी टीम में खेले थे भाई? मैं एक सीजन 2011-12 का सीजन मैर में खेला भाई। अच्छा, और फिर तो बड्योला सांच बड़ी बजिंदरी लोली सारे में खेल लेंगे फिर तो मिक्स, और उस एक सीजन खेल लिया। अच्छा, उस समय एयर की टीम में कौन कौन था पहलवान जी? भाई मित्तू था, रामपाल था, नीला था, प्रवीण था, बलकार बैर जा रहे हो। अच्छा, माँ भी रही थे भाई मेरे साथ में। पहलवान जी आपने बताया कि आप बहुत सारी टीमों में खेले, सबसे ज्यादा किस टीम में खेलने में मजा आया? ज्यादा तो बड्योला में मजा आया मैंने, बढ़िया साइड था एयर में, बढ़िया मजा आया भाई, एक सीजन खेल लिया, बढ़िया खेल लिया भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया खेल लिया। और पहलवान जी अपोजिट की बात करें, किस टीम के लिए खेलने में सबसे ज्यादा मजा आया? किस तरह मतलब सामने जो दूसरी टीम हो अपोजिट में? नहीं तो भाई सारी तगड़ी टीम थी, मजा तो आया करता, बहू गेली भी, डोला गेली भाई, यार गेली भी, सांच गेली, सारी टीम बढ़िया थी भाई, किसी के लिए मैच आया जो मजा तो आया करता भाई, बढ़िया टीम के लिए मैच लाया करता। पहलवान जी आपके खेल की बात करें तो वो कौन सा मैच था जहाँ तक लोग मटरू नाम तो जानने लग गए थे आपने? वो तो भाई यार मैच था दक्षिण है जी, 2011 में जी, ओड़ा भाई डोला में थे मैं उस टाइम, हमारा बनबोर के लिए मैच था भाई, उसमें 5-5 रेडा मैच भी किया हमारा। अच्छा, तो जो लास्ट रेड थी नहीं भाई, वह मैं रात जो 76 पे था कैंची में तो पैड के ले आया था। अच्छा, उस टाइम नाम हुआ था भाई, उस टाइम नाम हो गया था, उसमें कुछ इनाम उनाम भी जीते थे आप? बोड़ा हम उसमें तो थर्ड आए थे भाई, फिर जुगर जयवीर पहलवान कौन था, जयवीर पहलवान पंजाब में जाहिर था। अच्छा अच्छा, हाँ फिर हम को थकट गए थे जी। पहलवान जी आपकी उपलब्धियाँ की बात करें तो आपने के इनाम जीते आज तक भाई? एक मोटरसाइकिल जीत रहा मैं। अच्छा, और भाई छोटे मोटे प्राइज तो बहुत थे भाई, जुगर पहला तो ज्यादा पीछे मिले कर दे लगी मोटरसाइकिल तो जी। पहलवान जी आपने बहुत सारी टीमों में खेले, आपने बताया बहुत सारे मैच भी आपने बहुत बढ़िया तरीके जीते, सबसे पहला मैच जिसमें आप बेस्ट आए हो कोई ऐसा मैच याद हो? वो तो नारा नारी मैच था जो मारा, उसमें मैं 21 रुपये दिए थे मेरे तरफ भरवानिया वीरेंद्र दर जी, 21 रुपये ओड़ा आया था नारा नारी, सबसे वो मैच याद आवा आज भी? हाँ जी याद आ रहा। पहलवान जी पहली बाइक आपने कौन से सन में और कहाँ जीती थी? मन 2016 में जी 26 जनवरी ने खड़लपुर मैच थे जी जी, ओड़ा जीती थी जी। तो अपोजिट में कौन सी टीम थी जिसकी? बहु अकबरपुर जी, बहु अकबरपुर। हाँ फाइनल था जी, रहा था 9 बजे। अच्छा, उमा कितनी रेड पहलवान जी आपने लगाई थी? मैंने 10 रेड मारी थी, एक कैच लगी थी जी, 9 रेड ले आया था जी। अच्छा पहलवान जी आपने काफी मैच खेले, सबसे टॉप मैच जो आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया मैच आपने लगता हो कोई सा मैच याद हो? तो जी मेरा शैमगढ़ था जी 2014 में। अच्छा, एयर गेली मैच था जी, एयर में बिच्छू बिल्लू थे, मैं था समैन में जी, मैरदीप जी, ओड़ा जी सबसे तगड़ा मैच था जी मेरा जिंदगी का सबसे। अपोजिट में कौन था? एयर गेली मैच था, एयर गेली मैच था, बिच्छू था जी यार बिल्लू था। प्लेयर सारे बढ़िया है, फिर भी जो हमने मैच देखे हमारे तो सीनियर तो बिल्लू है भाई। अच्छा, इस बार का बालक तो होना नहीं भाई पहलवान तो, रेडर। हाँ रेडर तो इस बार का होना नहीं भाई। और कैचर की बात करें तो पहलवान, कैचर तो भाई
बहुत हरियाणा फिर भी जुगर संजू है दीप है टिंकू है ये बढ़िया भाई क्यों मैं इनके लिए खेल रहा हूँ मैंने बहुत बढ़िया लगा है उसमें। और पहलवान जी नए नए खिलाड़ियों की बात करें तो उनमें कौन बढ़िया रेडर है कौन बढ़िया कैचर है? इब तो ये चल रहे भाई एक तो विनय है यू खरकिया एक यूरो वीडियो रहा एक रिंकू ये तगड़े चल रहे बिक्का छत्र इस टीम चार बढ़िया चल रहे बेटो। अच्छा जी और कैचर की बात करें तो पहलवान जी कैचर सोनू करानिया भाई यू है बलवेड़िया है बिल्ला बिल्ला बलबेड़िया हाँ बढ़िया है इस टीम ये भी। पहलवान जी आप पंजाब भी खेलने गए हो हाँ किसने साथ दिया पंजाब के लिए जान खातर और कौन कौन से कहाँ कहाँ खेले हो पंजाब में? साथ तो नहीं भाई संजू था जूगर संजू दीप खेले करते उसमें समैन में इसमें बदौड़ में ही नशा आ गया थोड़ा का मैं उस टाइम चोट लहर थी मेरा ऑपरेशन और था फिर मैं एक साल में उठ के गया 16 में तो ही ना सिस्टम बिठा लेते ना खेली गए हम बोर्ड अपना सेट भरे गए बढ़िया खेल लिया गया बहुत बढ़िया चंडीगढ़ का लोगों को बहुत मैच खेले पटियाला लोग हमने। अच्छा भी कोई बेस्ट बूस्ट आए पहलवान जी आप ना भाई उसमें बेस्ट आए कर दे कब दे कर दी मैं। पहलवान जी कबड्डी के अलावा कोई और खेल में इंटरेस्ट हो? कोई इंटरेस्ट था भाई बस कुछ नहीं कबड्डी खेल लिया मैं तो कुश्ती लड़ी थोड़ी बस कबड्डी में शौक था ज्यादा बस भाई कबड्डी देख के कर दे सुने कर दे जाए कर दे लो दो खेल हो कर दे तो कबड्डी का शौक ज्यादा था भाई बड़ा भाई खेल ले करता अपना वो भी कबड्डी खेल ले करता नेशनल फिर वो बैर भी गया भाई फिर उसे बस ईसा पड़ गया मन पर बस कबड्डी खेलनी है और कौन भाई कुछ आया। पहलवान जी हरियाणा में आप सबसे बढ़िया एक ऐसा खिलाड़ी का नाम बताओ जो और खिलाड़ियों की बढ़िया मदद करता हो आपकी मदद करी हो? भाई आपने इक्की सौ बाद मदद ली भी नहीं ना भाई जरूरत पड़ी हूँ भाई कई बाद में है प्लेयर है पहलवान वो आपस में रिस्पेक्ट कर दें कोई जो रंग के जुरासी था उन्होंने भाई 21,000 रुपये दिए लड़का था बिल्लू था भाई बिल्लू ने टिंकू था मोटरसाइकिल दी भाई पाकिस्तान से खेल कह रहे अपने पीछे हाँ पीछे से मिल जाए बहुत मिल जाए आपने भी आप किसी को ले ही नहीं भाई अपना कौन है। पहलवान जी हरियाणा की खेल कमेटी की बात करें सबसे बढ़िया जो खेल कमेटी है जो कि मान सम्मान बढ़िया देती है और खेल पूरे मतलब ईमानदारी से कराती है ऐसी कोई कमेटी हो? भाई सार जिंदगी नहीं पावा इसी कमेटी सारी मार कहें तो थोड़ा पक्ष करें भाई आपस में न्यून ज़्यादा खुला सिस्टम पावा भेदभाव कर दे को नहीं चाहे कौन सी कास्ट क्यों सब एक एक साथ रखें भाई सब हाँ जींदी सार कहनी भिवाने कहनी पूरा बढ़िया मतलब हाँ हम फरीदाबाद खेल के आए थे भाई उड़ा उसमें ग्राउंड तो क्या उसका किसका बोल रहा उन्हें गुड़गांव फरीदाबाद खेल उड़ा भाई कमेटी एक नंबर की लग गया हमने। अच्छा हाँ हाँ मतलब ईमानदारी से खेल बहुत ईमानदारी था श्रम पर्ची गिर रहे कोई जीतो हारो कोई मतलब नहीं भाई। अच्छा जिन सारे कहने बहुत टूर्नामेंट हो जिसमें कोई पक्ष नहीं किसी का। पहलवान जी हरियाणा और पंजाब में आप दोनों जगह खेले हो और सबसे ज़्यादा मजा कौन सी जगह आया है और वहाँ की कबड्डी में यहाँ की कबड्डी में फर्क क्या है? भाई बात तो यह अपने तो बस तीन तीन दिन नाम है ओड़ा नहीं है भाई 5-7 घंटे में जो कुछ होना हो लिया खर्चा भी कम आओ भाई प्लेयरा का हार्ट भी कम दुख है दिक्कत को जानती है जितना तो भाई जीत भी आओ किस्मत का चल ओड़ा तो ओड़ा 5-7 घंटे में हार जीत हो लिया यूँ मजा ओड़ा भाई खर्चा भी कम आवे आड़ा तीन तीन दिन अंडाए जाए भाई कल ना आइयो परसों ना आइयो भाई तो प्लेयर करता खर्चा ले आऊंगे जून से हार जाए चल जीत जाए तो चेप आ जाए उनका तो पंजाब में बहुत बेनिफिट है खेलने भाई बैर के टूर लुआ दे भाई तगड़ा खिला दो। अच्छा वहाँ तो स्पॉन्सर है हाँ स्पॉन्सर भाई सब कर दे उड़ा कार्रवाई में अपना तो है नहीं भाई कुछ अपना तो बसाड़ी है जो कुछ खेल लो बसाड़ी रहना भाई पंजाब में तो बाहर भेज जाए भाई जो लड़के हरियाणा लड़के खेल ले सारे टिंकू टांकोर रिंकोर भाई पंजाब में हाँ पंजाब में खेल गए हैं तो यही कारण है जो कि हरियाणा के प्लेयर तकरीबन सारे पंजाब जा रहे हैं। हाँ पहलवान जी जिस तरीके से पंजाब में मैच हुआ है और हरियाणा में मैच हुआ है तो हरियाणा वाले ने क्या बदलाव करने चाहिए कि ना पंजाब की तरह बढ़िया मान सम्मान मिले और बढ़िया गेम हो? एक तो भाई स्पॉन्सर सा सिस्टम बैठाना चाहिए बाल बच्चे ने प्लेयर ने बन जाए कुछ स्पॉन्सर होने चाहिए पीछे न के बैक के एक भाई एक दिन के मैच होने चाहिए छोटे मैच होने चाहिए उसमें नहीं हो भाई खर्चा नहीं आता टीम फिर इतना जी। नहीं ज्यादा खर्च हो जाएगा गाडिया का भाई हूँ भी। पहलवान जी आपने पता है दिन प्रतिदिन हरियाणा में सर्कल कबड्डी का जो कि सतर नीचे गिरन लग रहा है तो इसको उठाने के लिए इसको बढ़ाने के लिए हरियाणा की जो खेल कमेटियाँ है उसको क्या क्या करने चाहिए? एक तो वैसे उससे बड़ी बात तो पहला प्लेयर नियम होना चाहिए टीम से जाना चाहिए अगले का जब खेलने जावे एक भाई साहब जो एक एक लाख रुपये इनाम धरते हैं तो दो मोटरसाइकिल धरते हैं एक दो टीम लेगी वहाँ 20 टीम तो बेचारी नुए गई 500-500 रुपये को देते हैं उनते हम लोग का चाहिए इनाम थोड़ा कर लियो 52,000 कर दो 71 कर लियो तो उनको भी खर्चा पानी देना चाहिए जो टीम है पाँच रहेगी उन तो उनको भी देना चाहिए जी वे कबड्डी ऊपर आओगे जाने को वैसे को नहीं पंजाब में क्यों दिक्कत है पंजाब में बढ़िया खर्चा देवे जी जोन खेलने जावे जो भी जावे बढ़िया साइज देवे 10-11,000 रुपये साइज के पक्के हैं उड़ा।
पहलवान जी, कभी आपने सरकार की तरफ से आश्वासन मिला नौकरी का, क्योंकि आप एक बहुत पुराने खिलाड़ी, 2011 से आपने खेलने की शुरुआत करी है। मैंने मिला था 2012 में संध मैच थे जी, मारा हरियाणा पुलिस के लिए मैच था जी, तो मैं उसमें बढ़िया खेल गया, बहुत बढ़िया जोकर, तो नो स्टोरेड मैर गया मैं, तो जिले राम में मिला था हमारा पंडित जी चोचुड़ा का, उसने मेरी घोषणा करी जी, पब्लिक लोगों ने कह दिया जी कि मैं चढ़ने भाई इसका यू जैसे लड़का इसको करवाओ, उन्होंने बोलिया जी फार्म भर रहा, मैं फार्म भर रहा हूँ जी पुलिस का। अच्छा, तो भाई साहब उसने मैं आश्वासन भी दिया, फिर भाई मेरी किस्मत साथ कौन दिया, मैं रह गया फिर भी। अच्छा, पुलिस में कह था मेरे तलवान की, फिर मैं किस्मत साथ नहीं दिया जी, वो MLA साहब का कोई केस था जी, उसमें भी गया जेल में, तो उसके बाद जी मेरा सिस्टम खराब हो गया, फिर नौकरी नहीं मिली जी मुझे। पहलवान जी आपने बताया हरियाणा में जिस प्रकार से बहुत रात रात तक मैच चल जाते हैं, तड़की 4-4 बजे तक चल जाते हैं, कबड्डी के लिए फायदेमंद है नुकसानदायक है? इसमें नुकसान ज़्यादा भाई, मैच कराओ 12 बजे चालू, हर शाम ना 7 बजे 7:30 बजे लग मैच जो कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे लग भी, फिर अपने घर आ जाऊंगे सवेरे, फिर ठीक टाइम पर जाया जाए जी। इब सवेरे एक बार हम जी चंडीगढ़ 4 बजे खेल का है, 6 बजे घर आएंगे बड़े, अगर फिर जाना तो किस टाइम पहुँचेगा आदमी, फिर तो वही शाम ना जाऊंगे। यू तो रूल गलत है जी, मैच कराओ एक दिन के, छोटे मैच करवाओ और अपने फिर कोई दिक्कत नहीं आती मैं कबड्डी में। पहलवान जी हम कमेटियाँ था, इस बारे में जब बात करने लग जाए है, ये बताने लग जाए है कि ना भाई ये कमेटी के अंदर ये गलत काम होता है भाई, ये ऐसे लेट नाइट तक मैच मत कराओ, तो उल्टा कमेटी खिलाड़ियों का दोष निकालता है, तो इसमें कितने सच्चाई है? या कमी चल प्लेयर की है जी, एक जगह जी मेरी 10 टीम आएगी, 15 आएगी, उन्हें फाइनल करवा दो, अगला दिन आप टीम पाऊंगी जी बढ़िया जी। ये तो अपना हाथ में जी, कमेटी सोचा कि वो रह रही तगड़ी टीम रह रही है, ले लो रही एंट्री, कह रहा तीसरा पुल में एंट्री ले लें उसकी, गलती तो कमेटी की है, उन्हें खिलाया जो है पंजाब में जी भी पंजाब आ गए जोड़ा चाहे 20 टीम है, जो 20 टीम की एंट्री ले तो उसमें कोई आएगी हो, उन्हें के मैच कराओ दोबारा कोई लेंदे ट्राई कर रहा, पाँच आपने तो कह रहा तीसरा पुल चाहे जी भी ले लें, तो यह दिक्कत है जी हरियाणा में, फेवर करें जी तगड़ी टीम का, नुको नहीं देखा ये टीम ऊपर उड़ जाएंगी छोटी, तो उन्हें जाते मिटल है हरियाणा में कबड्डी, एक टीम स्टार है तो वह वारी आओगी तो उसकी एंट्री ले मैं, नहीं लेंगे तो आप नहीं अगला दिन टीम पाओगी, यह दिक्कत है जी हरियाणा में, बहुत जो ज़्यादा दिक्कत है सारों को जी टोटल हरियाणा में। हम देखा जी खेलना जहाँ पता है जी कि तकड़ी टीम आ रही है बाद में, और चेहरे में 20 टीम है वो कुछ नहीं लेगा, 500-500 रुपये देंगे उनते, वही लेगी 2-4 घंटे में आकर लेके लेगी 2 लाख रुपये, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें आने दो स्क्रैच कर दो, नहीं आई टीम पापे नहीं आया खोजी अगले प्लेयर आगे चाहे कोई हो, प्लेयर तो बराबर समझना चाहिए जी, चाहे छोटा हो जो बड़ा हो, जीव लेवल बनागा जी कबड्डी का कौन बनता। पहलवान जी हरियाणा की खेल कमेटियाँ है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे ताकि अच्छा खेल करा सके, अच्छी टूर्नामेंट करा सके? भाई साहब एक तो जो करीब 60-80 टीम हो जाए अपना 4 दिन चल रहे हैं, 32 टीम की एंट्री लो, दूसरी टीम रह के लो दूसरी जगह भर लेंगे मैं, तो 32 टीम की एंट्री लो, उन्हें बढ़िया खर्चा पाने दो तो बढ़िया सिस्टम रहेगा, बढ़िया कमेटी चल लेंगे, बढ़िया मैच होंगे, उसमें 8-10 टीम तो बढ़िया आवेंगी, 32 टीम 8-10 टीम तो बढ़िया होंगी, फोन ना भी एंट्री हो जाएगी उनकी, तो भाई हम मान लाए गए तो 15-20 टीम छोटी बिक जाए तो बढ़िया मैच लागेंगे पंजाब की जाड़ बहुत बढ़िया, हर एक दिन में मैच हो जाएंगे 8-10 घंटे में। पहलवान जी कमेटियाँ की बात करें तो कमेटियाँ ने जो मैच करवाने का खुद जिम्मा उठाना चाहिए या फिर जैसे ठेका दे देते हैं, ये ठीक है? भाई साहब खुद करवाने चाहिए, क्यों है जो रैप कोच हों भाई ठेका ले ले कुछ ले ले, मतलब उसमें सब कुछ है कि कादी कमेटी उन्हें बेचारे बेरा को कौन टीम की सी होगा, कौन सी बड़ी है कौन सी घटी है, तो उनकी बदनामी तो काम की है, तो हम दोनों का खुद बुलाने चाहिए, रेफरी बुला दूँ तो अपना जो उनका सिस्टम बनाओ देना चाहिए, फालतू नहीं उनका रखना चाहिए, अपना हाथ में सिस्टम बैठाना चाहिए, अपना खुद टीम बुलानी चाहिए, टीम जी भी आऊँगा भाई मैं देखेंगे बड़ा पक्षपात नहीं है, अनुबेरा पटके उड़ा भाई वो ठेका ले रहा तो फिर तो पक्ष फटा पड़ागा भाई, कम टीम जाएंगी उसमें गांव के पीछे लाएंगे बुरो गैल मिलेंगे गांव ने, फिर तो अपना आप करना चाहिए निष्पक्ष करके सब कुछ। पहलवान जी टाई वाली सिस्टम की बात करें, जो एक दो आदमी है कि मर्जी तो होना चाहिए या फिर सबके सामने सामने होना चाहिए? टाई करवाओ कमेटी खूब दिन तय कोचा तो नारी बढ़िया रो भाई, आप घेरो टाइया ने उसमें ना तो पेट पाप रंधा ना तो कमेटी का रंधा ना प्लेयर का रंधा, कमेटी खुद घेरेगी तो भाई किसो कोच पर बुराई कौन जानती, चाहे किसो का मैच भीड़ो चाहे किसो के लिए भीड़ो, तो पहलवान जी कहीं ना कहीं इसमें पक्षपात हुआ है वो जब भाई कहीं जंग हो जब कड़ा कड़ा कहूँ मैं इसमें चलदार हो भाई, तो कमेटी करी होंगे फिर कोई नहीं होता भाई जी, खुद कमेटी जी पढ़े लिखे बाढ़ हर एक गाँव में ग्रेजुएट हैं तो उन्हें खुद गिरनी चिटाई उसमें बढ़िया रहो भाई, पक्षपात नहीं होता उसमें। ठीक बात है पहलवान जी, कहीं ना कहीं मैचा में देखा करो बाहर तय रेफरी बुला ले है या बाहर तय लोग आ जाते हैं मैच न करवाने खातिर, और जो कि पुराने खिलाड़ी है उनको मान सम्मान नहीं मिलता, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब तो ठीक है रेफरी है जो फिर थोड़े प्लेयरी से भी जो भाई नहीं आना चाहते ग्राउंड में सिंधर है पाछ है छोड़ा पाछ है वो तो ठीक है जी, मुझे फ़ोन करना चाहिए जो गांव गुआंड के अपना ब्लॉक में प्लेयर हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो एक बार तो इज्जत देनी चाहिए भाई, हम गेम करवा रहे हैं जो मान सम्मान करांगे थोड़ा करना चाहिए बड़े, उनका भी याद रहो भाई मारे प्लेयर
ऐ थी मार लो है अगले बस बच्चे ने बेरा पड़ जा भी सीनियर दे मरते हैं फिर थोड़ा करना चाहिए उसमें मान सम्मान देना चाहिए। पहलवान जी जो कि नए खिलाड़ी हैं अभी उभरते खिलाड़ी उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उन्हें देव भाई एक तो मरा नशा उस तभी बच्चे जावर भाई अपना मेडिसिन कम खाओ घर की डाइट ज़्यादा खाओ दूध घी अच्छे अंडे उंडे खा लो और सवेरे शाम बढ़िया प्रैक्टिस करो तो नहीं तो तुम प्लेयर बन जाएंगे। ज़्यादा मेडिसिन ध्यान मत जब कम जाओ बढ़िया रहूँगा भाई जी बोलो मेडिसिन में तो जिंदगी खराब हुई बच्चे की। तो ये थे हमारे साथ एक हरियाणा के बेहतरीन रेडर बड्डा मटरू जी। तो ऐसे ही हम खिलाड़ियों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे, तब तक आपसे भी दर्शकों को नमस्कार और जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर कर दो। जय हिंद।